मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वे लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। उधर कैप्टन ने भी सिद्धू की शिकायत कांग्रेस हाईकमान से की है कि सिद्धू राज्य में पैरेलल सरकार चला रहे हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखकर 2017 में कांग्रेस द्वारा किए गए सभी चुनावी वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को अब विपक्ष के नेता के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरी राज्य सरकार उनके अधीन है। चड्ढा ने पत्र के साथ कांग्रेस का 129 पन्नों का चुनावी घोषणा पत्र इलेक्शन मैनिफेस्टो भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पीसीसी ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। उन्होंने सिद्धू को लिखा कि आलाकमान आपके साथ है, आपको कांग्रेस के सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास आपके साथ है, अब आप कांग्रेस हैं और आप पंजाब सरकार हैं, इसलिए कांग्रेस के सभी 129 अधूरे 2017 चुनावी वादों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस के 4.5 साल के शासन में न तो ड्रग सरगनाओं को सलाखों के पीछे डाला गया और न ही बेअदबी के मामलों में न्याय मिला। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे भी अनसुलझे हैं, डॉट बिजली खरीद समझौतों को रद्द करने के मुद्दे पर राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता एलओपी हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वह अगले सप्ताह सार्वजनिक दस्तावेजी सबूत पेश करेगी ताकि इसे उजागर किया जा सके।